सरायकेला खरसावां जिले के चांडल थाना क्षेत्र के करनीडीह में एनएच 33 किनारे गुरुवार को तड़के सुबह ट्रक से मोबाइल चोरी करने के आरोप में पुलिस ने चांडल के भुइयाडीह के रहने वाले निरंजन उर्फ साधु लायक एवं चकंदरपुर स्थित चेलाबेड़ा के रहने वाले कार्तिक नायक गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ट्रक के चालक की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी कर मात्र कुछ ही घंटे में चोरी किए गए 40 लीटर डीजल, दो मोबाइल तथा घटना में शामिल एक कार को जब्त कर लिया है तथा दो बदमाश को धर दबोचा। चांडल एसटीपीओ संजय कुमार सिंह ने चांडल में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि दोनों गिरफ्तार बदमाश शातिर बदमाश है। निरंजन उर्फ साधु लायक इससे पहले भी वर्ष 2014 के डीजल चोरी में चांडल थाना से जेल जा चुका है। ये लोग हाईवे में रात्रि में खड़े वाहन से डीजल और पेट्रोल की चोरी करने का काम करते थे। पुलिस इस मामले में अनुसंधान कर रही है। पुलिस को इस गिरोह की काफी दिनों से तलाश थी। प्रेस वार्ता में चांडल इंस्पेक्टर पास्कल टोपो, चांडल थाना प्रभारी शंपू शरण दास उपस्थित रहे। सरायकेला से द नेटवर्क के लिए फनी भूषण टूडू की रिपोर्ट और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क। इधर कुछ दिनों से हाईवे में खड़ी ट्रक से डीजल चोरी करने की लगातार शिकायतें मिल रही थी और इसी क्रम में आज सुबह जो है थाना प्रभारी को डीजल चोरी करने वाले गिरोह के घूमने की जानकारी मिली। इसी सूचना के आधार पर थाना प्रभारी चांडिल अपने अन्य पदाधिकारी बल के साथ प्रभावित क्षेत्र में गए और वहां पे जाके सूचना प्राप्त कर डीजल चोरी करते रंगे हाथ दो अपराध कर्मियों को डीजल सहित पकड़े हैं। और इसमें चोरी करने में इनके द्वारा एक इग्निस कार JH05BY1477 भी पकड़ा गया है। चोर जो है ये लोग काफ़ी मतलब अटक मचाए हुए थे। कहीं भी रात्रि में गाड़ी खड़ा करके कोई ट्रक ड्राइवर क्लासी खड़ा होने पर उस ट्रक को ये लोग शिकार बनाते थे और उसके टैंकी से डीजल बड़ी चालाकी से निकाल कर निकल चल जाते थे। कहाँ से गिरफ्तार? चिलगू से गिरफ्तारी इनकी हुई है। इनके घर से गिरफ्तार? चिलगू में इनका मतलब वहीं के ये लोकल आदमी हैं। ये लोग चोरी कहाँ कर? सीबू होटल के पास कोई गाड़ी खड़ी थी, उसी गाड़ी में ये निकाल रहे थे।